मैं लोकेश मकवाना, आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया, सभी वर्गों के सभी समाज के लोगों ने इसका स्वागत किया। अयोध्या राम मंदिर का फैसला जिस तरह से पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो फैसला है ये फैसला हर समाज में एक अच्छी सोच पैदा कर रहा है, जिसकी वानगी जो है वो भवानी मंडी में आज देखने को नजर आई। हमारे बीच उपखंड अधिकारी राजेश डागा, नमस्कार सर, आपका पधारे आज स्टूडियो में। और दूसरी तरफ तहसीलदार जो कि प्रशासनिक अमला दोनों हमारे साथ हैं, रामनिवास जी मीणा साहब, आपका भी स्वागत है। आज 12 वफात का दिन और कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पूरे देश के अंदर पूरा प्रशासन अमला कहीं ना कहीं इस बात की चिंता होती है कि जब ऐसे कई फैसले आते हैं तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रखनी चाहिए, वो स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं न्यूसेंस पैदा ना हो। तो हम बात झालावाड़ जिले की करते हैं, झालावाड़ जिले के भवानी मंडी की करते हैं। जब प्रशासनिक अमले की बात आती है तो मजबूती से डटे हुए प्रशासनिक अमला अपना काम करता है। 8 महीने से राजेश जी डागा ने जिस तरह से SDM का पद संभाला है और उसके बाद भवानी मंडी की कई ऐसे कार्यक्रम है, कई ऐसे जो चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे अस्पताल का निरीक्षण हो, चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाई है। बात हम तहसीलदार जी की करते हैं, तहसीलदार जी जिस तरह से मॉनिटरिंग करके पूरे पचपाड़ के इलाके पे अपना मोर्चा बांधे हुए थे, पुलिस प्रशासन की मॉनिटरिंग थी और जिला कलेक्टर के आदेश के बाद जो मॉनिटरिंग 2 दिन से लगातार हो रही थी, कहीं ना कहीं आज 12 वफात का जुलूस भी एक शांतिपूर्वक निकाला गया और सभी समाज के वर्गों को ये मैसेज दिया गया, ये निवेदन किया गया क्योंकि हम एक दूसरे के भाईचारे का पालन करेंगे और ये हुआ भी सही है। भवानी मंडी कौमी एकता की मिसाल हमेशा देखी जाती है, तो मैं इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे खास मुलाकात में राजेश जी डागा से कि सर जो मॉनिटरिंग 3-4 दिन से की गई थी, फैसले का इंतजार था, फैसला कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाए जिससे देश का माहौल खराब हो, लेकिन सुप्रीमो के फैसले ने कहीं ना कहीं सबको शांति प्रदान की। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुप्रतीक्षित फैसला जल्द ही आने वाला था और संपूर्ण प्रशासनिक अमला इस कार्य में लगा हुआ था कि किस तरह से इस निर्णय के पश्चात में लोगों की प्रतिक्रियाएं होगी और किस प्रकार उन प्रतिक्रियाओं को समन्वित संतुलित करते हुए आम लोगों में एक न्याय की भावना, एक सहयोग की भावना, एक सामंजस्य की भावना सभी धर्म और संप्रदायों में पैदा हो, ये करना जरूरी था। परंतु जब हमें ये जानकारी मिली कि 12 वफात से एक दिन पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है तो हमारे लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। परंतु माननीय जिला कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन से प्रदत्त निर्देशों तथा पुलिस एवं प्रशासन के समन्वित प्रयासों तथा भवानी मंडी क्षेत्र के सभी धर्म संप्रदाय और जातीय संगठनों और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा जिस प्रकार की भावना का परिचय दिया गया और जिस प्रकार से सहयोग किया गया वो एक अनुकरणीय है और उसी की वानगी है कि आज 12 वफात का जुलूस भी बहुत शांतिपूर्ण निपटा और साथ ही कल जो है वो निर्णय आने के पश्चात सभी सांप्रदायिक दलों ने, सांप्रदायिक धर्म ने और सभी ने अनुयायियों ने एक प्रकार से इस फैसले की सराहना की और यह कहा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय चूँकि सर्वोच्च संस्था है और उसका जो भी निर्णय है वो हमें मान्य है। इस प्रकार से भारत एक न्यायप्रिय देश है और न्यायप्रिय देश में जो वासी है उन भारतवासियों ने राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हुए सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम करते हुए परिचय दिया है। भवानी मंडी के लोगों ने भी उसी भावना का कि भवानी मंडी में और देश में सांप्रदायिक एकता, सद्भाव, स्वार्थ कायम रहे और उसके लिए जितना प्रयास प्रशासन और पुलिस ने मिलकर किया है और उसमें सभी लोगों ने जो सहयोग दिया है वो वाकई में अनुकरणीय है। हमने जैसे ही फैसला आया सुबह हिंदू संगठनों से अलग से वार्ता की ता उनको समझाइश की कि आप किसी प्रकार की खुशी का इजहार न करें, किसी प्रकार आतिशबाजी या अन्य प्रकार से प्रदर्शन नहीं करें जिससे कि कहीं अन्य संप्रदाय आहत हो और उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया कि हम आप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से या अन्य माध्यम से भी यह प्रचारित करेंगे कि किसी प्रकार का इस प्रकार का वातावरण न पैदा हो जिससे कि कोई भी अपने को पराजित समझे, चूँकि ये तो न्यायिक फैसला था और वो फैसला जिसके भी पक्ष में हुआ है
वो हो चुका है और उसमें हमें उसका सम्मान करना है और एक निरपेक्ष भाव से रहना है तथा सामाजिक संतुलन कायम करने के लिए हमें सबके साथ मिलजुल करके उनको प्रेमपूर्वक स्वागत करना है। साथ ही हमने शाम को मुस्लिम समुदाय के विभिन्न सदर और उनके जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और उनसे भी समझाइश की, तो उन्होंने भी यही कहा कि वारा वफात का जुलूस हमारा जुलूस है और मोहम्मद उनके जन्मदिन का जन्मदिवस है जिसको हम हंसी खुशी मनाते हैं और विभिन्न अन्य समुदाय के लोग भी हमारा स्वागत करते हैं। तो हम हैं वो इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का इस तरह का कृत्य नहीं करेंगे जिससे कि कोई भी धार्मिक भावनाएं बढ़ के हम किसी प्रकार का इस तरह का कोई लाउड स्पीकर में इस तरह का गाना वगैरह नहीं बजाएंगे जिससे कि कोई अन्य समुदाय है वो हमारे खिलाफ हो। तो उन्होंने जो है वो हमें ये पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था कि जिस प्रकार से प्रशासन चाहेगा हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही अगर किसी भी छोटे बच्चे द्वारा भी कोई हरकत भी कर दी गई तो भी हम उसको बात को तूल नहीं देंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि जो है वो कोई भी बात अगर होती है तो हम प्रशासन की जानकारी मिलाएंगे। और उसी क्रम में आज बारा वफात का जुलूस बहुत शांतिपूर्ण रहा और मुस्लिम समुदाय ने उस जुलूस के दौरान हिंदू भाइयों को भी है वो दुनिया सिख समुदाय को और अन्य समुदायों को जैन समुदाय को भी है वो गुलाब के फूल भेंट किए और एक धार्मिक सद्भाव की मिसाल पेश की। तो वे इसके सब के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का साथ ही समस्त मुस्लिम जो सदर है, समस्त जो हिंदूवादी संगठन है, समस्त अन्य जैन सिख धर्मावलंबी है उन सबको और समस्त भवानी मंडी के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करूंगा कि उन्होंने धार्मिक सद्भावना की मिसाल कायम करते हुए भवानी मंडी में शांतिपूर्ण आयोजन किया। और चूंकि पूरा जिले की नज़र भवानी मंडी पर थी क्योंकि जहाँ 12-1 बजे तक सभी जगह पर बारह वफात के जुलूस निपट जाते हैं, परंतु भवानी मंडी का जुलूस है बारह वफात का वो लगभग 5 बजे तक चलता है और इसलिए सबकी निगाहें थी, परंतु भवानी मंडी के लोगों ने हर जगह स्वागत किया और बहुत ही अच्छे से इस त्यौहार को मनाया गया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि भविष्य में भी भवानी मंडी क्षेत्र में शांति और अमन कायम रहे इसके लिए सभी समुदाय एक दूसरे का मिलजुल कर स्वागत करेंगे और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को प्रतीक मनाते हुए आगे कार्य करेंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। देखा आपने, डॉक्टर साहब ने कहा कि जब सद्भावना की बात आती है, प्रेम स्वार्थ की बात आती है, जब भावनाओं की बात आती है तो मन की भावना हमेशा गंगा की जैसी होनी चाहिए। अगर मन की भावना गंगा जैसी होगी तो सबका मन साफ होगा। हम बात करते हैं तहसीलदार साहब से, जानते हैं कि प्रशासनिक अमले के तौर पर आप पचपाड़ लगे हुए थे, वहां पर भी आपने किस तरह की मॉनिटरिंग की और थाना अधिकारी महेंद्र मीणा की सुबह से जो जिस तरह से मॉनिटर नजर आ रही थी, आप एक दूसरे के फोन पर संपर्क में थे, किस तरह की मॉनिटरिंग की गई पचपाड़ में? बहुत अच्छा रहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऐतिहासिक फैसला है, सभी धर्मों को सभी वर्ग के आदमियों को माने रहा, सबने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। कहीं भी इस क्षेत्र में भवानी मंडी पचपाड़ में इसकी कोई प्रतिक्रिया स्वरूप कोई नकारात्मक सोच या नकारात्मक बातें इस निकल के सामने नहीं आई, सबने प्रशंसा किए, सब में भाईचारे का मतलब संदेश गया है, सबने हिल मिल के अच्छी खुशियाँ मनाई। आज बारह वफात का मोहम्मद साहब का जन्मदिन था तो मुस्लिम भाइयों ने सबको मतलब हिल मिल के उनके स्वागत के लिए जगह जगह दरवाजे थे, उसमें सभी धर्मों के अनुयायियों ने और हिंदू मुस्लिम मतलब सिखों ने सबने मतलब उनकी अगवानी की, सबको चाय नाश्ता करवाया, सब गले मिले, फूल मालाओं से स्वागत हुआ, सबने बहुत अच्छा मनाया, ऐतिहासिक फैसला था, सबने मनाया और हमेशा ऐसा ही होता रहे। मैं सबसे ये अपील करूँगा कि भाईचारा का संदेश आगे भी ऐसा ही बनाए रखे, सबको सहयोग करते रहे और परिवार की तरह रहे। देखा हमने तहसीलदार जी ने कहा कि भाई भाईचारा बनाए रखे। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन था, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जिस तरह से भवानी मंडी के शहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने किस तरह से जुलूस निकाला और जगह जगह कई समाज के वर्गों ने उनका स्वागत किया, बात आदिनाथा चोर माता मंदिर की करें, बात दरगाह की करें, बात बारह दुकान की चौराहे की करें, बात गर्ल स्कूल की करें, सभी समाज के लोगों ने मिलकर उनका जोरदार स्वागत किया। बात डीवाईएसपी साहब की करें, जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे थे सुबह से राजे जी मिश्रा जी, और उनका भी कहीं ना कहीं योगदान पूरा शहर को रहा है, वो हमेशा योगदान की बात जब आती है तो
तो पुलिस का महकमा हमेशा आगे रहता है। हम बात करते हैं कि जिला कलेक्टर ने जिस तरह से पूरे जिले की मॉनिटरिंग की, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और बात एक छोटी सी जानकारी और ले लें, सीओ साहब आपसे कंटिन्यूटी 24 घंटे फोन पे थे कि क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, सर थोड़ा सा जानकारी जनता को भी दें। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अवकाश पर थे उस समय, अभी कार्यवाहक जिला कलेक्टर के रूप में राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी जी सीओ जिला परिषद झालावाड़ कार्यवाहक कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं जी। वो लगातार सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में थे और पल पल की खबर वो हमसे ले रहे थे कि किस प्रकार की स्थिति है, कहाँ का जुलूस कब खत्म हो जाएगा, क्यों चूँकि भवानी मंडी और गंगदार क्षेत्र में काफ़ी जगह पर बारह वफात के जुलूस निकलने थे, तो उस दृष्टिकोण से लगातार वो संपर्क बनाए हुए रहते और उन्होंने जिला लेवल से भी कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो कि वहाँ पर इस व्यवस्था को देख रहे थे। चूँकि आज इस गंगा जमुनी संस्कृति का परिचय देते हुए भवानी मंडी के लोगों ने जिस तरह का व्यवहार कुशलता का परिचय दिया है वो अपने आप में मिसाल है और उसका संदेश बहुत अच्छा गया है। गंगा जमुना सरस्वती का जो कहीं ना कहीं मिलन जो है भवानी मंडी में देखने को नजर आया और हमेशा खबर 24 ये अपील करता है कि ऐसा सद्भावना, ऐसा प्यार, ऐसा दुलार सभी वर्गों के समाज में मिलता रहे और हमेशा हमारा कोई भी त्यौहार हो उस त्यौहार में एक दूसरे से भाईचारे से हमेशा मिलते रहें। इसी के बात साथ के साथ आज खास मुलाकात में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में, तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।